सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में बंटी और उसके माँ पिताजी रहते थे और बंटी का एक सब्जियों का दुकान था। जया और बंटी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्द ही शादी भी कर लेते हैं और शादी करके बंटी जया को घर ले आता है और माँ पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं। बंटी बेटा, तुमने शादी कर ली, मुझे थोड़ा पता तो था, पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। चलो जानकी, तुम भी आशीर्वाद दे दो बच्चों को। बंटी, क्या है ये सब? ये सही नहीं किया तुमने। किसी को भी उठा के घर में ले आ सकते हो क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बंटी, कान खोल के सुन लो, मैं इसे कभी भी अपनी बहू नहीं स्वीकारूंगी। अभी अगले दिन, ए लड़की, अभी जाओ और सबके लिए अच्छे से खाना बनाओ। और खाना अच्छे से नहीं बना, कुछ गलती हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे जानकी, कल ही तो आई है बेचारी बहू, और आज से ही तुम उसे रसोई घर में भेज रही हो। थोड़े दिन बाद चली जाएगी रसोई घर में। आप चुप बैठो जी, आपको क्या समझ में आता है? इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। आप हम दोनों के बीच में मत आओ, अपना काम करो। और तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो रसोई घर में निकलो और जल्दी से जल्दी खाना पकाओ। जया बिचारी कुछ देर दुखी हो जाती है और अपने काम के लिए लग जाती है। आज सासू माँ के लिए ऐसा खाना पकाती हूँ कि सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। चलो माँ बाबूजी, खाना तैयार है, हाथ मुंह धो लो, सबके लिए खाना परोसती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और तभी जया की सास कहती है, लड़की, ये क्या खाना बनाया है तुमने? खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं है और रोटियां भी ठीक से पकाई नहीं है तुमने। क्या कह रही हो भगवान, ठीक तो बना है खाना, तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है शायद। अच्छा तो बनाया हुआ है बहू ने खाना, चलो खा लो चुपचाप से। क्या माँ, अच्छा तो बना है खाना, और जया थोड़ा नमक डाल देती ना ऊपर से। चुप बैठो तुम दोनों, तुम्हारे ही मुंह का स्वाद गया है, मेरे नहीं, समझे? चलो खाओ चुपचाप। जया, खाना हो गया, पानी कौन पिलाएगा? हाँ, ये लड़की किसी भी काम की नहीं है, मुझे ही पानी पी लेना पड़ेगा। जैसे ही जानकी पानी पीने लगती है, उसके सामने एक छिपकली आ जाती है और जानकी डर के नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और तभी गिरने का आवाज सुनकर जया और बंटी दौड़कर आते हैं। माँ, तुम ऐसे कैसे गिर गई? चलो अस्पताल में चलते हैं, चलो उठो जल्दी जल्दी उठो। माँ, उठिए माँ, कुछ ज्यादा तो नहीं लगी ना, चलिए उठिए। चलो जी, माँ को अस्पताल लेके चलते हैं। अब समझा, माँ इस दीवार पे चल रही छिपकली से डर के गिर गई है। क्या इस छिपकली से डर गई माँ जी? छिपकली से तो कोई भी नहीं डरता है, भला इसे तो मैं ऐसे ही उठा कर फेंक दूंगी। आप माँ जी को उठाओ, मैं इसे बाहर फेंक कर आती हूँ। देखा माँ, कितनी होनहार बहू मिली है तुमको, छिपकली को तो इसने ऐसे ही फेंक दिया और तुम खामखा डर रही हो। चलो मुँह हाथ धो लो और फ्रेश हो जाओ। अरे माँ जी तो छिपकली से डर गई, भगवान मुझे काश ऐसी एक शक्ति दे दे कि मैं जादू से छिपकली बन जाऊँ और माँ जी को डरा सकूँ। अगले सुबह जया सब्जियां लेने बाजार जाती है, क्योंकि सासू माँ ने रात को ही जया को कह दिया था कि सुबह जल्दी उठ के बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आनी है। भैया, मुझे टमाटर, भिंडी और कुछ आलू दे दो। और हाँ, सब्जियां ताजी तो है ना, तो एक काम करो, आधा किलो सेब भी दे दो। मुझे उन्होंने बताया था कि आपके पास बहुत अच्छी सब्जियां और फल मिलते हैं, तो कम दाम में आप बिल्कुल अच्छी और मस्त ऐसी सब्जियां और फल मुझे दे दो। ठीक है भाभी जी, सब आधा आधा किलो दे देता हूँ। और भाभी जी, अभी अभी तो शादी हुई है आपकी, और आप क्यों बाजार आए? माँ जी को भेज देते, हमेशा माँ जी तो आती है बाजार में। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ। ये लीजिए पूरे पैसे है, गिन लो, वरना कहोगे मैंने पैसे ही नहीं दिए। और सब्जियां और फल तो अच्छे से दिए है ना, खराब अगर निकले तो मैं वापस लेकर आऊंगी। ठीक है भाभी जी, गिन लेता हूँ। हा, बराबर है पैसे। भाभी जी,
भैया जी को मेरा राम राम कहना और माँ को मेरा प्रणाम कहना। जया बाजार से निकलकर घर की ओर जाती है तब उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। क्या हुआ अम्मा, तुम यहाँ इतनी शाम को अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें कोई घर बार या बच्चे नहीं है क्या? चलो अपने घर की तरफ जाओ, अब थोड़ी ही देर में रात भी होने वाली है। क्या बताऊँ बेटा तुम्हें, मेरा कोई घर नहीं है, ना ही बच्चे हैं, और मैं दो दिन से बहुत भूखी हूँ। तुम्हारे पास कुछ अगर खाने को होगा तो मुझे दे दो। हाँ अम्मा ज़रूर, ये सब रख लो, मैं कल फिर से दूसरी सब्जियाँ लेकर आऊँगी। तुम ये लेकर जाओ और अपना पेट भर लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हें जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं हो, और तुम्हारे मन में जो चिपकली बन के सास को डराने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाए। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, अगली बार तुम्हारी सास तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगी। और हाँ बेटा, जब तुम मन में तीन बार चिपकली 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 बोलोगी तो आप चिपकली बन जाओगी, ये ध्यान में रखना। और वापस अपने रूप में आने के लिए लड़की 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 ऐसे आपको बोलना है, ठीक है? सच में अम्मा, क्या ये सब हो सकता है? और मेरे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हें ये कैसे पता चला? चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया। चलो अब रात भी बहुत हो गई है, आप भी निकलो, मैं भी निकलती हूँ, अगर देर हो गई तो फिर से सास मुझे बहुत डांटेगी। जया को आने में बहुत देर हो जाती है तो सास सामने ही बैठकर उसकी राह देख रही होती है। जया ये क्या वक्त है घर पे आने का, कितने बज गए हैं पता भी है, कितनी रात हो गई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सास बहुत चिल्लाती है जया पर और बिचारी जया को पीट भी देती है। अगले दिन शाम को जया रसोई घर में खाना बना रही थी तभी जया की सास आती है। ए लड़की, इतना वक्त लगता है क्या चार लोगों का खाना बनाने में? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? चलो जल्दी जल्दी से खाना बनाओ और ख़त्म करो। जया मन ही मन में अब बोलती है, सासू माँ अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्हें डराना ही पड़ेगा, तभी चिपकली बन के इनको डराती हूँ, जैसे बूढ़ी अम्मा ने बोला था। अब मैं बोलती हूँ चिपकली चिपकली चिपकली। अब जया अपनी शक्तियों का उपयोग करके चिपकली बन जाती है और अपनी सास के पीछे भागती है और सास डर के मारे अपना सर पकड़कर भागने लगती है। किसे डराया सासू माँ को कल, इतना सब कुछ काम करके भी अगर डांट पड़ेगी तो मैं फिर से ऐसे ही डराऊंगी सासू माँ को। महारानी क्या बैठी हो, खाना नहीं पकाना क्या, और बर्तन कौन मांजेगा? हाँ रुको, मैं अपनी छड़ी लेकर आती हूँ और तुम्हें सबक सिखाती हूँ। जया अपने मन में बोलती है, सासू माँ को फिर से एक बार चिपकली बनकर डराना ही होगा तो ये रोज रोज का नाटक खत्म हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही ये मुझे डराती रह जाएगी। और जया फिर से बोलती है चिपकली 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 और वो चिपकली बन जाती है और उसके सासू माँ को फिर से डरा देती है। और चिपकली देख के सासू माँ फिर से डर के मारे जोर जोर से भागने लगती है। ऐसा सब कुछ होने पर अब जया को सास कभी भी तंग नहीं करती और उल्टा उसे काम में मदद करती है, उसका हाथ बटाती है और परिवार एकदम हंसी खुशी से रहने लगता है। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी तो चलो फिर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही अच्छी कहानी देखने के लिए। बाय बाय।